तो दोस्तों, जिनके इरादे मेहनत की सिहाई से लिखे होते हैं, उनकी किस्मत के पन्ने कभी भी खाली नहीं होते। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है सितंबर 24, 2018 और डे है मंडे। और आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल, और आज का सवाल है, इनमें से कौन से वोल्केनो को लाइफ पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी के नाम से हम लोग जानते हैं? विच वोल्केनो इज कॉल्ड एज द लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी? आपके ऑप्शन है ए एटना, बी पेले, सी स्ट्रैम्बली या डी वर्सुवियस। अपने अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं द हिंदू से, और फ्रंट पेज पे आपको न्यूज मिलती है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस आयुष्मान भारत। तो फाइनली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च कर दी है मेगा हेल्थ केयर स्कीम, नाम है आयुष्मान भारत, और इसको हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, और इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम रांची इन झारखंड। बात करते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। बेसिकली जब 2018-19 का बजट लॉन्च किया गया था, जिसको द न्यू इंडिया बजट के नाम से पेश किया गया था, उस समय यह अनाउंसमेंट हुई थी कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे 10 करोड़ फैमिलीज को, और यहाँ पे एवरेज फैमिली का साइज इमेजिन किया गया था गवर्नमेंट द्वारा 5 पीपल। तो 50 करोड़ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी, और उसी के अंदर ये सामने आया हमारे सामने आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंदर जो एनुअल कवरेज है वो 5 लाख रुपीज पर ईयर के हिसाब से दी जाएगी 1350 डिजीजेस के लिए, 1350 डिजीजेस के लिए। याद रखें, या तो हेल्थ इंश्योरेंस है या सिर्फ सेकेंडरी और ट्रेजरी सेक्टर्स के अंदर दिया जा रहा है। यहाँ पे हेल्थ केयर के अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी। एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर मान लो कोई मरीज बीमार होता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने आसपास के किसी डॉक्टर के पास। वो जो डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये प्राइमरी सेक्टर है हॉस्पिटल, ये प्राइमरी सेक्टर है हेल्थ का। वहाँ पर जो हेल्थ केयर की जो ये इंश्योरेंस वाली स्कीम है, इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी, वहाँ जो भी खर्चा होगा उसकी भरपाई नहीं होगी। जो सेकेंडरी और टर्जरी है, सेकेंडरी मतलब उसके बाद जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और टर्जरी मतलब जब आईसीयूज में या फिर जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। इन चीज़ों को याद रखना। साथ ही यहाँ पे कोई भी फैमिली साइज के ऊपर कैपिंग सरकार द्वारा नहीं रखी गई है, और कोई भी एज लिमिट भी नहीं बताई गई है। यहाँ जो टारगेट बेनिफिशियरीज होंगे, किन लोगों को इस चीज़ का फायदा मिलेगा, उसको कैसे देखा जाएगा? थ्रू दी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि अभी रिसेंटली आया था, उसके डेटाबेस की मदद से यहाँ पे दिखा जाएगा कि किन किन लोगों को यहाँ पे बेनिफिट पहुँचना चाहिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो हमारी आयुष्मान भारत है या पीएम जन आरोग्य योजना है, वो सब्ज्यूम कर रही है हमारी पहले से ही दो ऑनगोइंग स्कीम्स, पहले से दो स्कीम्स चल रही हैं, उनको सब्ज्यूम भी किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। पहली स्कीम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और दूसरी यहाँ पे स्कीम है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसके साथ साथ इस स्कीम के अंदर प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेस एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी कवर किए जा रहे हैं। घर से हॉस्पिटल जाने में जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो भी कवर होंगे, और हॉस्पिटल से जब रिलीव हो जाएंगे, छूट जाएंगे, उसके बाद भी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की जो कॉस्ट होगी घर आने की, वो भी यहाँ पे आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर कवर किए जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के बारे में थोड़े से टिडबिट्स थे। अब पेज नंबर 1 के बाद हम लोग आएंगे पेज नंबर 14 की तरफ। पेज नंबर 14 पे बेसिकली एक एक्सप्लेन्ड वाला जो आज आता है, एक एक्सप्लेनर जो आता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बात की गई है टोटल एक्सपेंस रेशियो की। तो अभी रिसेंटली सेबी ने क्या किया, म्यूचुअल फंड के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर जो TER होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, उसको कम कर दिया। इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी डिस्कशन किया था, और रिवीजन सेशन में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट आज थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होता है TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लेनर पोर्शन आया है उसके अंदर भी इसे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे सवाल भी यही है कि यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो असलियत में होता क्या है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं।
देखो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टर फंड्स होते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा यहाँ पे असेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास या इन्वेस्टमेंट मैनेजर कंपनी के पास यहाँ पे छोड़ देता है, उसके ऊपर भरोसा करता है कि वो मेरे पैसे को ज़्यादा स्मार्टली और ज़्यादा एफिकेसी के साथ कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। शॉर्ट में बताऊं तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, वो लोग क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है वो स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो वो क्या करेंगे, अब बहुत सारे लोग एक साथ अपना बहुत सारा पैसा किसी शेयर में नहीं लगा पाते और ना ही उनमें कभी कभार इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है कि वो किस शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे सब लोगों के पैसे थोड़े थोड़े करके म्यूचुअल फंड के पास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर म्यूचुअल फंड वाले उनको किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके हिसाब से जो रिटर्न है वो लोगों को जितना उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से दे दिया जाता है। सिंपल ये प्रोसीजर होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं, कुछ रिटेल मार्केट में कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे मिक्स्ड भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, अगर आपने कोई पैसा दिया म्यूचुअल फंड कंपनी को या असेट मैनेजमेंट कंपनी को तो वो भी अपने कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं। मान लो अपनी फ़ी लेते हैं, अपनी कमीशन लेते हैं, अपनी सर्विस फ़ी लेते हैं, अपनी टेक्निकल फ़ीस लेते हैं। तो जितनी भी सारी ये फ़ीस होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो कम करने से बेनिफिट क्या होगा इन्वेस्टर्स का, ये है समझने वाली बात। अब ये मानो कि आप लोगों ने 100 रुपीज़ मुझे दिए, मेरी कंपनी को आपने 100 रुपीज़ दिए, मेरी म्यूचुअल फंड की कंपनी है, आपने मुझे 100 रुपीज़ दिए। अब आप क्या सोच रहे हो कि मेरे 100 के 100 रुपये ही इन्वेस्ट हो जाएंगे किसी जगह पर ऐसा नहीं होता। मैं अपने भी यहाँ पे कुछ चार्जेस काटूंगा जिनको बोला जाएगा टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसके अंदर यहाँ पे फंड मैनेजर चार्जेस, मेरा कमीशन, टेक्निकल चार्जेस, सर्विस चार्जेस, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो मान लो कि मेरे चार्जेस हैं 2%, तो आपके जैसे ही मेरे को 100 रुपीज़ मिले मैंने उसमें से अपने 2% 2 रुपीज़ काट के अपनी जेब में रख लिए और आपके जो 98 रुपीज़ हैं उन्हें इन्वेस्ट किया। तो आपने तो 100 रुपये दिए पर आपको किस किन पैसों के हिसाब से प्रॉफिट या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 98 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में, ये है टोटल एक्सपेंस रेशियो का पूरा फेनोमेना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है ये, बिल्कुल डायरेक्टली इंपैक्ट करता है रिटर्न्स के ऊपर कि कितना रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो जो कम कर दिया है यहाँ पे इक्विटी मार्केट के अंदर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये भी बोला गया है कि जो रिडक्शन है वो कहीं भी हो सकता है बिटवीन 0.01% टू 0.44%। तो यहाँ पे बात की गई है, तो कॉस्ट और कमीशन का जो पैसा होता है उसे हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये खबर थी पेज नंबर 14 पे, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे आज के। तो चलो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। पेज नंबर 3 पे आपको न्यूज़ मिलती है, बहरमपुर लॉन्चेस ड्राइव टू सेव इट्स ट्रीज। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर बात की जा रही है। इस जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट से है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज से है, और जो यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसे किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो बहरमपुर नाम की जगह है, ये जगह पड़ती है उड़ीसा के अंदर। वहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो कि वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बहरमपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, उन्होंने यहाँ पे एक जॉइंट एफर्ट स्टार्ट किया है। बेसिकली आप लोगों ने भी देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे कुछ लोग अपने एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं, वहाँ पे जो नेल्स होते हैं, जो कीले होती हैं, उन्हें घुसा देते हैं पेड़ों के अंदर और फिर अपने एडवर्टाइजमेंट टांग देते हैं। तो उस पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ पे एक ड्राइव चालू की जा रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जैसे नेल्स लगा देना, यहाँ पे होर्डिंग्स लगा देना ट्री के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो ट्री की जो लाइफ है उसको कम करते हैं, उनको हार्म पहुँचाते हैं। अभी पिछले ही दिनों मैंने साइंस एंड टेक में आपके साथ डिस्कशन में लिया था कि अब ये फाइनली प्रूफ हो चुका है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, अगर उन्हें कोई भी चोट पहुँचती है तो पूरे के पूरे उनके जो बॉडी है उसके अंदर यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं, वो यहाँ पे एक डेंजर वाला सिग्नल अपनी बाकी सारी जो
क्वेश्चंस हैं उनको भी दे देते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है कि जो कोई भी अगर जो मेटल है, मान लो जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेटल हो सकता है, उसमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है जो कि उस पूरी की पूरी प्लांट को अफेक्ट कर सकती है, पूरे के पूरे ट्री को अफेक्ट कर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक ड्राइव चालू की है, एक साबुजा वाहिनी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की यंगस्टर्स की, उसने यहाँ पे एक ड्राइव चालू की है जिससे ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके इन द साइक्लोन प्रोन सिटी। तो बेसिकली जो बहरमपुर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक इफेक्ट भी देखने को मिला है। जब सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, फालीन आया था 2013 में, हुडहुड आया था 2014 में, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो अब जितने हैं उनको बचाने के लिए यहाँ पे इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो हम लोगों की तरह ही लिविंग बींग्स हैं और उनको भी प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोग भी जानते हो कि ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना आज के पर्टिकुलर एरा में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो फॉरेन पैथोजेंस हैं जैसे फंजाय हुआ या वायरस हुआ, वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं अगर बाहर से कोई मटेरियल उनके अंदर जाता है, चाहे वो नेल्स हो, होल्डिंग्स हो या कोई भी सारी की सारी चीज़ें हों। तो उसके लिए यहाँ पे एक ड्राइव चालू की गई है उड़ीसा के बहरमपुर में। याद रखना इसके ऊपर केस स्टडी भी बन सकती है। तो इसी के नीचे आपको खबर मिलती है, चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड दिल्ली कनेक्ट थ्रू लेटर्स। और यहाँ पे देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग होते हैं जब वो नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ आर नेशन में आते हैं उनको बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक अलग सी मुहिम चालू की गई है, बहुत ही अच्छी मुहिम चालू की गई है जिससे कल्चरली हमारे देश को कनेक्ट किया जा सके। यहाँ पे हुआ क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन के जो विलेज के अंदर जो बच्चे रहते हैं और जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो बच्चे हैं, वो दोनों आपस में कल्चरली कनेक्ट होने के लिए एक दूसरे के बीच में यहाँ पे लेटर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बातें लिख के यहाँ पे एक्सचेंज किया जा रहा है जिससे एक दूसरे के जो लोग हैं वो एक दूसरे के कल्चर को जान सकें। तो मल्टी कल्चर डाइवर्सिटी के रूप में इस इनिशिएटिव को देखा जा रहा है कि जो रेशियल और जो एथनिक डिस्क्रिमिनेशन होता है जो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ, उसको भूला जा सके और यहाँ पे लोगों के अंदर एक कल्चरल यूनिटी की जो भावना है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पे आप जो पॉइंट का इस्तेमाल करोगे वो ये होगा कि किस तरीके से हमारा जो यूथ है, यहाँ जो बच्चे हैं, उनकी सहायता से हमारे देश में जितना भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है हम उससे रिजॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कल्चरल यूनिटी। इंडिया क्यों फेमस है, अपनी कल्चर यूनिटी के लिए फेमस है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। तो अगर वो हमें करना है तो यहाँ पे यूथ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे ह्यूमन कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के बीच में, उन्हें कम करने की बात की जा रही है यहाँ पे कुछ लेटर्स द्वारा, कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके की एक मुहिम यहाँ पे चालू हो गई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। नेशन वाला ये पेज है और यहाँ पे आपको खबर मिलती है कमांडर टॉमी साइटेड बाय नेवी एयरक्राफ्ट। तो कमांडर टॉमी, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, जो कि गोल्डन ग्लोब रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी जो शिप है वो सदर्न इंडियन ओशन के अंदर फंस गई थी, अब उनको डिटेक्ट कर लिया गया है और फ्रेंच शिप की मदद से उनको वापस भी ले आया जाएगा। बात करूंगा यहाँ पे गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में। 2018 वाला जो एडिशन है ये सेकेंड एडिशन है इस पर्टिकुलर रेस का। 50 साल पहले संडे टाइम्स गोल्डन ग्लोब रेस ऑर्गेनाइज की गई थी 1968-69 के अंदर। उस रेस के अंदर बहुत सारी शिप्स फेल हो गई थी, यहाँ पे एक सेलर ने सुसाइड भी कर लिया था, तो उसके बाद इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पर ये इसका सेकेंड एडिशन है गोल्डन ग्लोब रेस का। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स आते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल सेलर्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं और उनमें कंपटीशन होता है। जो 2018 वाला जो एडिशन है इसके अंदर 18 पार्टिसिपेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरे के पूरे एशिया से सिर्फ कमांडर अभिलाष टॉमी ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ उन्हें ही इन्विटेशन मिला था पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस गोल्डन ग्लोब रेस के अंदर 1968-69 से पहले की ही जो टेक्नोलॉजी है या तब तक जो टेक्नोलॉजी थी उनका ही इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे नॉन मोटराइज्ड बोट्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स भी नहीं है, सैटेलाइट सिस्टम्स भी नहीं है। तो यहाँ पे उन चीज़ों को छोड़कर, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को छोड़कर ही ये पर्टिकुलर रेस की जाती है। यहाँ पे जो हमारे कमांडर अभिलाष टॉमी हैं उनकी जो उस शिप का नाम था वो है
थुरई, याद रखना थुरई उनकी शिप का नाम है, उनकी सेलिंग वेसल का नाम है। यहाँ पे ये न्यूज़ थी और वो कहाँ पे मिले हैं उसकी पोजीशन भी आप देख सकते हो, उनकी पिक्चर देख सकते हो। बहुत ही हिम्मत का काम है इतनी दूर जाना, और उनके साथ जो अभी बातचीत हुई थी बस यही हुई थी सेटेलाइट के द्वारा कि ही इज़ सेफ। सेटेलाइट तो बेसिकली बंद हो गई थी, सिर्फ मैसेजिंग के द्वारा हुई थी कि ही इज़ नाउ सेफ, बस उनकी बैक में थोड़ी सी इंजरी है। उनकी जो बोट है वो क्यों फंस गई थी, क्योंकि जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है, एक स्पायरल मूवमेंट बन गया था यहाँ पे ओशन में, जिस वजह से उनकी जो शिप है वो पूरी की पूरी तरीके से फंस गई थी। और यहाँ पे नॉन मोटराइज्ड बोट्स होती हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है, तो बाहर निकलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ मिलती है, एप्स फॉर चिल्ड्रन टू चेक साइबर क्राइम NCPCR। तो यहाँ पे एक नई ऐप लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, नाम है साइबर ट्रिविया, याद रखना साइबर ट्रिविया। और ये जो ऐप है ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए लॉन्च की गई है कि जो बच्चों के साथ जो साइबर क्राइम्स वाले केसेस होते हैं, जो आजकल डेंजरस गेम्स चल रहे हैं, जैसे मोमो चैलेंज हो गया, यहाँ पे ब्लू व्हेल हो गया, उन पर्टिकुलर चीज़ों से बच्चों को बचाया जा सके। इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो कि बच्चों से फन वे में पूछे जाएंगे, और उससे यहाँ पे ऐप की मदद से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी बातचीत जो साइबर गेम्स कंडक्ट करते हैं वो लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ऐप की मदद से जो बच्चे हैं उनको उस खतरे से बाहर निकाला जाएगा। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, व्हाट कॉज्ड द फ्लड्स इन केरला, केरला में फ्लड्स क्यों आए, क्या असलियत में कारण था। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स बताए गए हैं, 4 फैक्टर बताए गए हैं, एक IIT प्रोफेसर ने आइडेंटिफाई किया इन 4 फैक्टर को और उनको हमारे सामने रखा। जल्दी से उन 4 फैक्टर्स को देख लेते हैं। पहला यहाँ पे फैक्टर है कि अबव नॉर्मल सीजनल रेनफॉल हुई मई और अगस्त के बीच में। इसके साथ साथ सेकंड फैक्टर है, बहुत ही एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट देखने को मिले उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, मतलब केरला के अंदर उस पर्टिकुलर सीजन। तीसरा यहाँ जो रीज़न है वो ये कि जो 90% जो रिजर्वेयर थे वो रेनफॉल से पहले ही अपने भर चुके थे। इसके साथ साथ चौथा फैक्टर ये है कि जो एक्सट्रीम रेनफॉल वाली कंडीशन हो गई जिसने रिजर्वेयर्स को और ज़्यादा बढ़ गया और फ्लड वाली कंडीशन सबके सामने आ गई। ये सारे फैक्टर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, बट यहाँ पे नई रिपोर्ट आई थी तो इसलिए आपको बता दिया। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, सिटीजन साइंस इनिशिएटिव हेल्प सेव हॉर्नबिल्स। तो यहाँ पे जो इंडियन हॉर्नबिल है उसको बचाने के लिए यहाँ पे सिटीजन साइंस के कुछ इनिशिएटिव्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी hornbill.in, उसके अंदर जाके जिसको भी आइडेंटिफाई होता था, दिखता था हॉर्नबिल, वो वहाँ जाके बता देता था कि हमको यहाँ पे हॉर्नबिल मिला है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँच जाते थे उन हॉर्नबिल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। यह पर्टिकुलर सिंपल प्रोसेस था। पहले आपके साथ बात करूंगा इंडियन हॉर्नबिल के बारे में। तो अगर आप मैप देखोगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इंडिया में ज़्यादातर इनकी जो इंडियन हॉर्नबिल आपको मिलेंगे वो वेस्टर्न घाट्स में और यहाँ पे हमारे हिमालयन पोर्शन में मिलेंगे। बेसिकली ये जो बर्ड है थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक बर्ड होती है, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक ये पर्टिकुलर बर्ड होती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर ये मिलती है, और ये जो बर्ड है इसकी जो जीवन काल होता है वो 50 ईयर्स के अराउंड होता है, मतलब बहुत ही लंबा टाइम ये पर्टिकुलर बर्ड्स जीती हैं। अगर IUCN की लिस्टिंग की बात करूँ तो इनको नियर थ्रेटनड में लिस्ट किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, तो सिटीजन साइंस इनिशिएटिव ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इंडियन हॉर्नबिल, इंडियन हॉर्नबिल्स को वो लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनका एक तरीके का सर्वे बना रहे हैं जिसकी मदद से उनको कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा मदद की जाएगी। तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके अंदर तो पहले से ही सर्वे हैं, पर जो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जो बर्ड्स हैं उनको यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हॉर्नबिल वॉच इनिशिएटिव, जो www.hornbill.in जो वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, उस तरीके की इन्होंने वेबसाइट बनाई है। वो इनिशिएटिव है जिसकी मदद से लोग डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कहीं भी अगर हॉर्नबिल देखी हो, और यहाँ पे उस हॉर्नबिल को बचाने के लिए भी काम चालू हो जाएंगे। बात करते हैं हमारे देश में 9 हॉर्नबिल की स्पीसीज हैं, याद रखना 9 हॉर्नबिल की स्पीसीज हैं, और सारी की सारी ही स्पीसीज के बारे में हमें जो डेटा है वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। 2014 और 2017 के बीच में अगर आप देखोगे
तो 938 रिकॉर्ड्स मिले 430 कॉन्ट्रीब्यूटर्स की मदद से, 26 स्टेट्स के अंदर से ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली, जिसके अंदर दो यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया वो थे फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया ज़्यादातर ये वेस्टर्न घाट्स और हिमालयन पोर्शन में ही मिलती हैं। यहाँ पे जो बर्ड्स हॉर्नबिल बर्ड्स हैं उनकी कुछ स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ के जो नारकन डोम हॉर्नबिल है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, नारकन डोम आइलैंड जो कि अंडमान का आइलैंड है उसके अंदर, अंडमान एंड निकोबार्स का आइलैंड है उसके अंदर, तो इसीलिए उसका नाम नारकन डोम हॉर्नबिल बर्ड पड़ा है। यहाँ पे अगर आप और भी बात देखोगे, देखो नारकन डोम हॉर्नबिल बर्ड तो एंडेंजर्ड है याद रखना, पर जो यहाँ पे जो वल्नरेबल और नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उसमें आती है रॉफर्स नेकर्ड हॉर्नबिल, ऑस्टिन ब्राउन हॉर्नबिल एंड ग्रेट हॉर्नबिल, उनको ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ऑब्जर्व किया गया है। ओके, साथ ही न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर भी कुछ हॉर्नबिल की स्पीसीज को भी ऑब्जर्व किया गया है, जिसका रिकॉर्ड यहाँ पे hornbill.in वेबसाइट के ऊपर लोकेटेड है। वेबसाइट कैसी है वो आपकी स्क्रीन पे आ ही गया था, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको आना पड़ेगा टू द पेज नंबर 11, न्यूज़ वाला ये पेज है और यहाँ पे आपको इन ब्रीफ में खबर मिलती है इंटरसेप्टर मिसाइल नाइट टेस्ट सक्सेसफुल। तो इंटरसेप्टर मिसाइल का नाइट टेस्ट किया गया फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड लोकेटेड इन ओडिशा और वो जो टेस्ट था बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, और ये जो हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया था, जिसके अंदर हम लोग डबल टायर डिफेंस सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर दो लैंड और एक सी बेस्ड इनिशिएटिव भी है। यहाँ पे अगर कोई मिसाइल आती है कोई बाहर के किसी देश से, अगर बैलिस्टिक मिसाइल हमारे देश पर अटैक करती है तो हम उसको अपनी मिसाइल की मदद से आसमान में ही रोक सकते हैं। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये है। यहाँ पे हम लोगों ने दो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स बनाए हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो मिसाइल्स हैं वो जो हाई एल्टीट्यूड पे मिसाइल्स हैं उनको रोकेंगी, और यहाँ पे दूसरा सिस्टम है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके अंदर जो लो एल्टीट्यूड पे मिसाइल्स होंगी उनको रोकने में मदद की जाएगी। यहाँ पे जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको 2006 के अंदर सबसे पहले लॉन्च किया गया था, और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को 2007 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे नाइट टेस्ट किया है इस पर्टिकुलर इंटरसेप्टर मिसाइल का, ये आता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये 50 किलोमीटर से अबव वाली ये पर्टिकुलर टेस्टिंग थी, 50 किलोमीटर अबव इन दी अर्थ एटमोसफियर, ये न्यूज़ थी। इसके साथ आपको खबर मिलती है इंडिया लुक्स टू बाय इसराइली मिसाइल। तो फाइनली इंडिया इसराइल से मिसाइल खरीदने वाला है। बेसिकली इट्स अ स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, याद रखना स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हम लोग कहाँ से खरीदने वाले हैं, इसराइल से खरीदने वाले हैं। जो स्पाइक मिसाइल है वो थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल मिसाइल है, जिसको इसराइल के रफील ने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे बस इतनी सी न्यूज़ थी जो आपको याद रखनी है। इसी के साइड में एक और खबर मिलती है, व्हाट्सएप अपॉइंट्स ग्रेवियंस ऑफिसर। तो जब से जो फेक न्यूज़ वाला जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मार्केट में फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, और यहाँ पे सोशल मीडिया की मदद से बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ को फैलाने में मदद मिल रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने, दोनों ने ही यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्टली निर्देश दिए थे कि आप लोग कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करो, अपनी तरफ से कुछ बड़े बड़े काम करो। और यहाँ पे व्हाट्सएप ने फाइनली एक ग्रेवियंस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कर दी है स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, कि अगर किसी को कोई भी फेक न्यूज़ पता लगती है तो डायरेक्टली उस ग्रेवियंस ऑफिसर को कंप्लेंट की जा सकती है। तो इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पे जो ग्रेवियंस ऑफिसर जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उनका नाम है कोमल लहिरी। ओके, तो याद रखना, इस बहुत सारे FAQs हैं जो भी व्हाट्सएप में ऐड हो गए हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 13 की तरफ, बिजनेस वाला ये पेज है और यहां पे आपको खबर मिलती है फुल सर्विस कैरियर्स फेस क्रॉसविंड फ्रॉम बजट एयरलाइंस। तो देखो दो टाइप के यहाँ पे कैरियर्स होते हैं, फुल सर्विस कैरियर्स और यहाँ पे बजट कैरियर्स। आप इनको इमेजिन कर सकते हो,
फुल सर्विस एयरलाइंस और बजट एयरलाइंस। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर कोई फुल सर्विस कैरियर्स की यहाँ पे टिकट लेता है तो उस टिकट्स के अंदर आपकी मील की फ़ी, आपकी बोर्डिंग की फ़ी, आपके लॉन्ज एसेस की फ़ी और भी जितने भी अकोमोडेशन होते हैं जैसे लगेज होता है उसकी फ़ीस, सारी की सारी फ़ीस इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे फुल सर्विस कैरियर्स होते हैं उसमें आपको चॉइस मिलती है कि आपको इकोनॉमी क्लास की सीट लेनी है या आपको प्रीमियम क्लास की सीट लेनी है। साथ ही जो ये यहाँ फुल सर्विस कैरियर्स होते हैं इनके इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ भी टाइप्स होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके साथ भी रिजॉल्व करके यहाँ पे पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। पर जो बजट कैरियर्स होते हैं उसके अंदर सबकी जो सीट्स होती हैं सबके रेट सेम होते हैं, पूरी की पूरी इसमें एक ही क्लास होती है, इकोनॉमिक क्लास होती है। और अगर आपको अपनी मन पसंदीदा सीट चाहिए तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ इनके किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ टाइप नहीं होता है। देखो तो इंडिया में आप देखोगे लोग ज़्यादातर यहाँ पे बजट कैरियर्स को ही प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे जो फुल सर्विस कैरियर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उनको जो रेट हैं अपने वो बजट कैरियर्स के हिसाब से ही फिक्स कर देने चाहिए आज की डेट में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा है। क्योंकि जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा फेयर क्यों दें, इतने ज़्यादा पैसे क्यों दें फुल सर्विस कैरियर्स के अंदर, तो उसका जो ग्राफ है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 14 वाली जो न्यूज़ है वो हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली है, अब हमें डायरेक्टली जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 18 और यहाँ पे आपको खबर मिलती है गांधीजीज लेटर सेल्स फॉर मोर देन $6,000। तो यहाँ पे कुछ गांधीजी के लेटर थे जिनको यहाँ पे भेजा गया $6,000 में, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारे के सारे जो लेटर्स थे वो गुजराती में थे और उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्पिनिंग व्हील को दी गई है। यहाँ पे जो चरखा है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि गांधी जी उसे एज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के रूप में मानते थे। याद रखना कि हमारा जो चरखा है वो किसके इक्वल्स है, हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के। इसके साथ साथ इन लेटर्स में बोला गया है कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो मूवमेंट थी उसमें लोगों को बोला गया था कि आप अपने दिन का कुछ समय यहाँ पे चरखे पे बिताएं, यहाँ पे स्पिनिंग व्हील पे बिताएं, लोग खादी प्रोड्यूस करें जिससे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो बस आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही, कैसा लगा मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर देना, कोई भी डाउट कमेंट क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, कोई अगर पर्सनल मैसेज करना हो तो आप मुझे फेसबुक पे जाकर भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स फेसबुक और टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट कर लेना। आज की वीडियो को एंड करते हैं, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।